सो हे व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का आज की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं मेंटिस मास प्रो के एक्टिवेशन के ऊपर। गाइस मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को टॉप 5 एप्लीकेशंस बताई थी जिसको यूज करके आप जो है अपने मोबाइल में कीबोर्ड माउस को लगाकर बिल्कुल इजीली तरीके से एकदम पीसी जैसा गेम प्ले कर सकते हो। तो गाइस उन्हीं एप्लीकेशंस में गाइस एक एप्लीकेशन आता है मेंटिस मास प्रो, जो कि गाइस काफी अच्छा एप्लीकेशन होता है। गाइस इसे आप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस मेंटिस मास प्रो के एक्टिवेशन के ऊपर कि किस प्रकार जो है आप बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आप अपने मेंटिस मास प्रो को एक्टिवेट कर पाओगे। एक्टिवेट करने के बाद जो है आप अपना गेम प्ले लाइक पीसी जैसा अपने फोन में कर पाओगे। बस रियली गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को शुरू और बताते गाइस आप सभी को मेंटिस मास प्रो को एक्टिवेट करने का वो सिंपल तरीका। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को शुरू। बट गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपके भाई से आप सभी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, बस छोटी सी। गाइस यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भाई लोग बेल वाला आइकन भाई लोग जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को शुरू और आप सभी को बताते हैं हाउ टू एक्टिवेट मेंटिस माउस प्रो, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप अपने मेंटिस माउस प्रो को एक्टिवेट कर सकते हो। तो गाइस मेंटिस माउस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ओपन करना है मेंटिस माउस प्रो। गाइस इसका एप्लीकेशन का लिंक है गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद देखो गाइस जैसे ही आप अपने मेंटिस माउस प्रो को यहां पर जो है ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है टैप टू स्टार्ट मेंटिस बडी। तो गाइस जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो गाइस आपके सामने इतनी सारी चीज़ें जो है गाइस यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो गाइस आपको जो यहाँ पर जो लगभग 6 तक की जो गाइस आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इन सभी को एक्टिवेट करना है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना गाइस, बिल्कुल ईजी है इसको एक्टिवेट करना, आप बहुत ही ईजिली तरीके से एक्टिवेट कर पाओगे, ठीक है। तो देखो गाइस अब हम करते हैं इसे एक्टिवेट करना स्टार्ट, ठीक है। तो गाइस देखो सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एक इनेबल का ऑप्शन देखेगा, फर्स्ट नंबर इनेबल फ्लटिंग विडजेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इनेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखो गाइस आपके सामने जो है कुछ एक इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इनेबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको मेंटिस माउस प्रो को यहाँ पर सर्च करना है। तो देखो गाइस यहाँ पर मेंटिस माउस प्रो आ गया, तो आपको इस पर क्लिक करना है और अलो डिस्प्ले ओवर द एप्स आपको इसको जो है ओपन कर देना है, यानी इसको आपको इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने के बाद देखो गाइस यहाँ पर हमारी पहली चीज़ तो इनेबल हो गई, दूसरी चीज़ है गाइस इनेबल यूएसबी डिबगिंग। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में ये अगर इनेबल नहीं है तो देखो गाइस मेरे फ़ोन में तो ऑलरेडी इनेबल है, तो इसलिए सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर ऑलरेडी टिक आ गया है। अगर नहीं आपको इनेबल करते आता तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप किस प्रकार जो है अपनी यूएसबी डिबगिंग को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो गाइस आपको सेटिंग में आना है और यहाँ पर गाइस आपको सिंपली बस सर्च कर देना है यूएसबी डिबगिंग, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर देखो गाइस मैंने जैसे ही सर्च किया यूएसबी डिबगिंग तो देखो गाइस अभी यहाँ पर जो है मेरे सामने कुछ ये देखो गाइस ऑप्शन आ चुका है यूएसबी डिबगिंग का। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और देखो गाइस ये यूएसबी डिबगिंग जो है अभी मेरा इनेबल है, सॉरी डिसेबल है, तो मैंने इसे डिसेबल कर दिया। अब देखो गाइस यहाँ पर मैंने इसे इनेबल कर दिया, ठीक है गाइस। तो आपको कुछ जो है इस प्रकार जो है आपको यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करना है। उसके बाद देखो गाइस हमें यहाँ पर इनेबल करना वायरलेस डिबगिंग को। तो गाइस अब इस ये वाला जो गाइस जो यहाँ पर ऑप्शन है गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इससे गाइस बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है गाइस। तभी सबसे पहले हम क्लिक करते हैं इनेबल पर और देखो गाइस इनेबल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वायरलेस डिबगिंग। लेकिन गाइस मेरी एक बात ध्यान से सुनो गाइस, अगर आप पहली बार अपने फ़ोन में ये सब कर रहे हो तो गाइस सबसे पहले आपको जो है अपने फ़ोन में सेटिंग में जाकर डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा, क्योंकि गाइस जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करोगे तभी जो है आपकी यूएसबी डिबगिंग और वायरलेस डिबगिंग वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इनेबल होगा। तो गाइस अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि किस प्रकार जो है आप अपने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने अबाउट फोन वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। किसी किसी के इसमें माई फोन भी लिखा रहता है, तो आपको जहाँ पर आपके मोबाइल की डिटेल्स दी होती है आपको सिंपली उस पर जाना है। उसके बाद देखो गाइस आपको यहाँ पर बिल्ड नंबर का ऑप्शन दिखेगा, तो गाइस इसको आपको जो है 7 बार टैप करना है, आप 7 से ज़्यादा बार भी टैप कर सकते हो, मतलब आपको 7 प्लस टैप करना है। इससे क्या होगा गाइस देखो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, और जैसे गाइस आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाए तो यहाँ पर देखो गाइस मैं सर्च करता हूँ डेवलपर ऑप्शन। तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने सर्च किया डेवलपर ऑप्शन,
ये देखो है, डेवलपर ऑप्शन मैंने सर्च किया और मेरा डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो गया। अब इस डेवलपर ऑप्शन में गाइस आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो USB डिबगिंग मिल जाएगी, वायरलेस डिबगिंग मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो अभी सिंपली आपको क्या करना है कि वायरलेस डिबगिंग को इनेबल कर लेना है। हमारा जो सेकंड नंबर ऑप्शन था USB डिबगिंग, जिसे हमने ऑलरेडी इनेबल कर लिया, अब हमें इनेबल करना है गाइस वायरलेस डिबगिंग। तो यहाँ पे आपको वायरलेस डिबगिंग इनेबल कर लेना है। लेकिन गाइस वायरलेस डिबगिंग को लेकिन गाइस यहाँ पर मेरी एक बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें गाइस, वायरलेस डिबगिंग को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वाईफाई को कनेक्ट करने की। तो देखो गाइस यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो गाइस मैंने जो है यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनेबल वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको जो है अपने वायरलेस डिबगिंग को सिंपली इनेबल कर देना है। तो देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर वाईफाई क्यों कनेक्ट करना है, क्योंकि गाइस देखो यहाँ पर सिंपली लिखा है, देखो गाइस वायरलेस डिबगिंग, यानी जो है आपको देखो यहाँ पर गाइस नीचे लिखा भी है डिबग मोड व्हेन वाईफाई इज कनेक्टेड, यानी आपको किसी भी फ़ोन का वाईफाई को जो है थोड़ी देर के लिए कनेक्ट कर लेना है जब तक आप अपने मल्टीपल को एक्टिवेट करते हो, ठीक है। उतनी देर के लिए आपको कनेक्ट कर लेना है और इस ऑप्शन को जो है आपको इनेबल कर देना है। गाइस ये जो वायरलेस डिबगिंग वाला ऑप्शन है गाइस, इसका हमें बहुत आगे काम पड़ेगा। मतलब गाइस एक्टिवेट करना तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें जो गाइस थोड़ी बहुत प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो कोड वगैरह रहते हैं तो वो जो माउंटिस प्रो को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, वो कोड हमें इसी के अंदर से मिलेंगे। तो आपको गाइस वाईफाई कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपको वायरलेस डिबगिंग को भी इनेबल कर देना है। तो देखो गाइस हमारी यहाँ पर तीसरी नंबर वाला जो ऑप्शन है इनेबल वायरलेस डिबगिंग, ये भी इनेबल हो चुकी है। अब गाइस हमें यहाँ पर इनेबल करना है अलो ओवरले ओवर सेटिंग, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इनेबल पर जाना है और इनेबल पर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है स्क्रीन ओवरले। तो देखो गाइस आप यहाँ पर जैसे ही स्क्रीन ओवरले सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। देखो गाइस तो अभी गाइस आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा अलो स्क्रीन ओवरले ऑन सेटिंग आ गया है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये जो अगर आपका डिसेबल है तो इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद गाइस फिर से हम जाएंगे बैक, और बैक जाने के बाद देखो गाइस यहाँ पर ये इनेबल है, ठीक है। तो आपको मार्क कैस डन कर देना है, मार्क स्टेप एज डन, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क स्टेप एज डन कर देना है, उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर वाला जो ऑप्शन है वो भी डन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग, इसे हमें क्या करना है, टर्न ऑन करना है, यानी ऑन करना है। तो इसे वापस हम इनेबल पर जाएंगे और सर्च करेंगे गाइस डिसेबल, यहाँ मतलब गाइस अगर आप सभी को इन चीज़ों को सर्च करना है तो सिंपली जो वहाँ पर लिख के रखा है आपको वही यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनेबल, सॉरी डिसेबल मॉनिटरिंग। गाइस ये वाला ऑप्शन तो आई थिंक मेरे इसमें नहीं है, या फिर हो सकता है कि शायद नहीं होता हो। तो आपको सिंपली इसे क्या करना है गाइस, मैं एक बार और सर्च कर लेता हूँ डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार सर्च ही कर लेता हूँ डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डिसेबल ओटीपी। हाँ गाइस मैं सर्च तो कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर मिल तो जाना चाहिए। तो नहीं मिलेगा तो गाइस आपको उसमें फिर भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपका जो मेंटिस माउस पर है वो ऐसे भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, क्या पता गाइस हो। तो यहाँ पर तो गाइस मुझे तो कहीं नहीं दिखा डिसेबल ऑडियो, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है गाइस। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम यहाँ पर एक बार सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से एक बार सर्च कर लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमने सर्च किया डिसेबल करने के बाद गाइस यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी डिसेबल वाली सारी आ जाएगी। तो गाइस यहाँ पर डिसेबल वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना है गाइस, सिंपली मार्क एज डन पर क्लिक कर देना है और यस पर क्लिक कर देना है। तो ये वाला जो गाइस ऑप्शन होगा ये ओवरले मतलब अपने आप ही जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस हमारी लास्ट चीज़ बताएगी गाइस, वो है पेयर वाया वायरलेस डिबगिंग। गाइस मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि अभी वायरलेस डिबगिंग का हमें बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा, तो इसलिए वाईफाई को कनेक्ट करके आपको वायरलेस डिबगिंग को इनेबल कर लेना है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे यहाँ ऑप्शन पे जाना है स्टार्ट पेयरिंग पर, और स्टार्ट पेयरिंग में जाने के बाद देखो गाइस आपको यहाँ पर लिखा है 6 डिजिट पेयरिंग कोड। तो वो क्या होता है गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको यहाँ पर वापस से जाना है वायरलेस डिबगिंग में, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ वायरलेस डिबगिंग में,
तो ये देखो गाइस मैं डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही हूँ। देखो गाइस वायरलेस डिबगिंग पर आया और यहाँ पर आपको क्लिक करना वायरलेस डिबगिंग पर। उसके बाद देखो गाइस आपको यहाँ पर कुछ दिखेगा पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, ये जो लास्ट है ऊपर से चौथे नंबर पर, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखो गाइस यहाँ पर जो लिखा है वाईफाई पेयरिंग कोड, तो गाइस ये वाईफाई पेयरिंग कोड देखो गाइस 6 डिजिट का होता है, जैसे मेरा है 851149। गाइस ये हर बार चेंज होता है, हर फोन में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस वाले कोड को आपको सबसे ऊपर डालना है 851149। उसके बाद देखो गाइस यहाँ पर लिखा है आईपी एड्रेस एंड पोर्ट, तो गाइस आईपी एड्रेस एंड पोर्ट का जो लास्ट डिजिट होता है गाइस 43059। देखो गाइस यहाँ पर आईपी एड्रेस एंड पोर्ट लिखा है, उसके बाद नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो गाइस लास्ट से ये जो लास्ट है गाइस, इस लास्ट जो जो वो 5 डिजिट होता है, जैसे 95034, ये मेरा लास्ट ऐसा डिजिट है। तो आपको ये जो यहाँ पे गाइस देखो दिख रहा है ना 43059, ये जो लास्ट के जो 5 डिजिट होता है, आपको सिंपली नीचे वाले में जो है यहाँ पर फिल करना होता है। तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 43059। उसके बाद देखो गाइस सब कुछ फिल हो गया, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है गाइस सब कुछ सही है। उसके बाद आपको पेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइस आपको यहाँ पर गाइस कुछ मिनट्स या फिर गाइस हो सकता है कि 5-10 मिनट भी लग जाए, तो आपको गाइस इतना जो है वेट करना। तो गाइस यहाँ पे 5-10 मिनट को क्या गाइस मतलब 5-6 सेकेंड ही लगा है, उतने में जो है गाइस हमारा वायरलेस पेयरिंग यहाँ पर कन्फर्म हो गया है। तो देखो गाइस अब मेरा देखो गाइस यहाँ पर जो है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पर अब जो है गाइस मेरा जो ये वाला जो मैंटिस माउस प्रो है गाइस वो एक्टिवेट हो चुका है। अब गाइस क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैं डिवाइस कनेक्ट करूंगा और प्ले करना चालू कर दूंगा। फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा मैंटिस माउस प्रो जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। गाइस इसमें गाइस मैंने आप सभी को बहुत ही सिंपल इजी प्रोसेस बताई है। गाइस मैंने बताया कि मतलब इजी प्रोसेस है ही गाइस, आपको गाइस मैंटिस माउस प्रो को एक्टिवेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और गाइस सक्सेसफुली हमारा मैंटिस माउस प्रो जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। और हाँ गाइस जैसे इसमें कुछ चीज़ें छूट जाती है, लाइक जैसे हमारा डिसेबल मॉनिटरिंग वाला जो ऑप्शन था वो यहाँ पर इनेबल नहीं हो पाया, तो गाइस उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको मार्क इस डन पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा गाइस, जो आपकी मैंटिस माउस प्रो को एक्टिवेट करने की जो प्रोसेस है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है, और वो वहाँ पर अपने आप में राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है गाइस कुछ आप अपने मैंटिस माउस प्रो को 6 ऑप्शंस को इनेबल करके जो है एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन हाँ गाइस वाईफाई कनेक्ट करना मत भूलना, ठीक है गाइस। कैसा लगा दोस्तों वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके भाई लोग जरूर बताना। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लोग अपने भाई की बात याद रखना, इस वीडियो को गाइस एक लाइक कर देना और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भाई लोग जरूर प्रेस कर देना। बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे ऐसी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।